बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग थर्ड चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे 3.8 to 3.13। थ्री पॉइंट एट शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फॉर एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम में चेंज मालूम करें सब्जेक्टिव टू अ गिवन फोर्स, जिस पर फोर्स लगाई गई हो गिवन टाइम में, एंड स्टेट लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, और लॉ ऑफ मोशन को मोमेंटम की शक्ल में बयान करें। बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। सिर्फ मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। हम लोग चेंज इन मोमेंटम मालूम करेंगे। चेंज इन मोमेंटम एक ऐसे ऑब्जेक्ट का मालूम करेंगे जिस पर फोर्स लग रही हो, यानी फोर्स लगने से मोमेंटम में जो चेंज आता है वो मालूम करेंगे। फिर लॉ ऑफ मोशन यानी फोर्स को, लॉ ऑफ मोशन यानी फोर्स को मोमेंटम की शक्ल में बयान करेंगे। तो वही सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा जो मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में चैप्टर में भी पढ़ा जा चुका है। कंसिडर ऑब्जेक्ट ऑफ मैस एम, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मैस एम है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्ट अपॉन इट फॉर टाइम इंटरवल टी, एक्सटर्नल फोर्स एफ उसके ऊपर टाइम टी के लिए अमल करती है। जब फोर्स लगेगी तो इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, इसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी। अब फोर्स जो कि लगी है तो एक्सेलेशन पर रिड्यूस इन इट विल बी इक्वल टू, तो जो इसमें एक्सेलेशन पैदा होगा ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी होगा, यानी वेलोसिटी में चेंज विद टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। इसको क्वेश्चन वन का नाम दे देते हैं। लेकिन हम ये भी तो जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू एम ए तो ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। अब ये दोनों एक्सेलरेशन के रिलेशंस हैं। ये एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन है वेलोसिटी में चेंज विद टाइम एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ मोशन से फाइंड आउट किया है। दोनों को इक्वेट कर लें क्योंकि दोनों एक्सेलेशन की वैल्यू है, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर लें, इक्वलाइज कर लें। यानी एफ ओवर एम जो है ना इसको वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के इक्वल कर दें, तो एफ ओवर एम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एफ क्रॉस टी हो जाएगा तो, और साथ में एम उधर मल्टीप्लाई होगा एम वी एफ माइनस एम वी आई, तो एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब हमें पता चला कि मोमेंटम में चेंज है, देखिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना कि चेंज इन मोमेंटम मालूम करें ऑफ एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव टू अ गिवन फोर्स, कि मोमेंटम में चेंज मालूम करें एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे जिस पर फोर्स लगाई गई, तो उसका जो मोमेंटम का चेंज है ना एक ऑब्जेक्ट का जिस पर फोर्स लगाई जा रही है, वो मोमेंटम में चेंज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल है। बाकी उसने कहा कि लॉ ऑफ मोशन यानी फोर्स को मोमेंटम की फॉर्म में डिफाइन करें, वो आखिरी रिलेशन होगा टी ओवर में ले जाएं, तो एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर टी हो जाएगा, यानी मोमेंटम चेंज पर सेकंड या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, के मोमेंटम में जो चेंज आता है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होगा अप्लाइड फोर्स। ये स्टेटमेंट आपने लिख देनी है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम भी मालूम कर लिया एक ऑब्जेक्ट का जिस पर फोर्स लगाई गई थी, और लॉ ऑफ मोशन यानी फोर्स को मोमेंटम की फॉर्म में डिफाइन भी कर दिया गया है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है, डिफाइन इंपल्स एंड शो दैट हाउ इट इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम, के इंपल्स को डिफाइन करें और ये भी बताएं कि ये लीनियर मोमेंटम से कैसे रिलेट की जाती है। ये भी पीछे चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है, इसकी डेफिनेशन कर देते हैं और इसका मोमेंटम से रिलेशन बता देते हैं। डेफिनेशन बहुत सादा सी है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल टाइम, कि फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कॉल्ड इंपल्स। फोर्स और शॉर्ट इंटरवल टाइम का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, इंपल्स। इसमें जो फोर्स है ना ये एवरेज फोर्स होती है, बट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड शॉर्ट इंटरवल टाइम इंपल्स कहलाता है। और इसका मोमेंटम से रिलेशन क्या है कि ये चेंज इन मोमेंटम की इक्वल होती है क्योंकि फाइनल से इनिशियल मोमेंटम निकाला जा रहा है। तो इंपल्स जो है उसकी डेफिनेशन भी होगी और इसका रिलेशन भी बता दिया कि ये चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है, एफ क्रॉस डी होता है और वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों इस तरह से है, 3.10 स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बयान करें।
पॉइंटिंग आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम की अहमियत बताएं, एक्सप्लेन करें व्हाई अंडर सर्टन कंडीशन द लॉ इज यूजफुल इवन दो द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड। ये भी बताएं कि ये लॉ यूजफुल होता है, हमारे लिए फायदेमंद होता है जबकि सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं होता। बच्चा डिफरेंट पार्ट्स हैं, सबसे पहले तो वो है अलग अलग हमको डील करेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो हम जानते हैं, पीछे चैप्टर में पढ़ा हुआ है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट थी टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो ये तो स्टेटमेंट होगी, पीछे टॉपिक में आपको पढ़ाई भी हुई। इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, पहले आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में हम जानते हैं, वो भी टॉपिक में समझाया हुआ है। अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एक्सर्ट एनी फोर्स, कैसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स नहीं लगाती वो आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। और यही इसकी इंपॉर्टेंस है कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है ना उसको काउंट नहीं किया जाता, कंसिडर नहीं किया जाता, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस का मोमेंटम जो है उसे कॉन्स्टेंट प्रूव करना होता है। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन होगी और इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको बता रहा हूँ कि इसमें सिर्फ इंटरनल फोर्सेस को कंसिडर किया जाएगा, एक्सटर्नल फोर्सेस को कंसिडर नहीं किया जाएगा। आइसोलेटेड का मतलब ही तनहा अलग थलग निजाम होता है, इसको बाहर वाली फोर्सेज इसमें कंसिडर नहीं होती। आखिर में उसने ये भी पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई अंडर सर्टन कंडीशन द लॉ यूजफुल, कि क्यों कुछ कंडीशन में ये लॉ फायदेमंद होता है इवन दो द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड, सिस्टम मुकम्मल तौर पर आइसोलेटेड ना भी हो। ये भी लेक्चर्स में मैंने बताया था कि कोई भी सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेट करना तो मुमकिन नहीं होता कि मुकम्मल तौर पर आइसोलेटेड हो जाए, यानी बाहर से कोई फोर्स ही मिलने लगे। जिस तरह हम लोग जमीन पे कोई भी सिस्टम बनाते हैं तो वो आइसोलेट कैसे हो सकेगा, क्योंकि बाहर से फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एयर प्रेशर, ये फोर्सेज तो लगती रहेंगी। तो लिहाजा इन फोर्सेस को इग्नोर करना मुमकिन नहीं होता कि हम ये कहें कि ये फोर्सेस नहीं हैं और ये मुकम्मल तौर पे आइसोलेटेड है। एक्चुअली हम सिर्फ ये करते हैं कि अगर इंटरनल फोर्सेस से एक्सटर्नल फोर्सेस कम हो, एक्सटर्नल फोर्सेस कम हो तो द लॉ कैन बी अप्लाइड विद गुड अप्रोक्सीमेशन, इस लॉ को अच्छे अंदाजे के साथ अप्लाई किया जा सकता है। यानी द लॉ इज यूजफुल, ये लॉ तब भी फायदेमंद होगा इवन दो द सिस्टम इज नॉट कंप्लीटली आइसोलेटेड। अगर सिस्टम मुकम्मल तौर पे आइसोलेटेड ना भी हो तो ये लॉ तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस अगर स्मॉल हो ना तो उनको हम इग्नोर कर देते हैं और सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम ही समझा जाता है। सो बच्चों, इसके ना आप लोगों ने अलग अलग पार्ट के अलग अलग आंसर देने हैं ताकि इसका कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन के कंप्लीट आंसर जो है वो हमारे पास हो सके। बच्चों 3.11 है शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस करें। एक्सप्लेन हाउ वुड द बाउंसिंग बॉल बिहेव इन ईच केस, और ये भी बताओ कि हर केस में बाउंसिंग बॉल कैसे बिहेव करेगी। गिव प्लॉजिबल रीजन, मुमकिन वजूहात बताएं फॉर द फैक्ट, इस हकीकत के लिए कि किनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस, कि किनेटिक एनर्जी ज्यादातर केसेस में कंजर्व क्यों नहीं रहती। बच्चों पेज 60 के ऊपर ये कंप्लीट टॉपिक है, सारा ही आप लोगों ने लिखना है, उसमें इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन की डेफिनेशन भी आ जाएगी, यानी उनका डिफरेंस भी हो जाएगा, और बाउंसिंग बॉल की एग्जाम्पल भी दी गई है, और प्लॉजिबल यानी मुमकिन रीजन भी बताई हुई है इस फैक्ट के लिए कि किनेटिक एनर्जी ज्यादातर क्यों कंजर्व नहीं रहती। मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि आप कोलिजन इन विच किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, कैसा कोलिजन जिसमें किनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहे, कांस्टेंट रहे, वो इलास्टिक कोलिजन होता है। यानी बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन किनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे वो इलास्टिक कोलिजन है, और जिसमें किनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे, या सिस्टम इन विच किनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व, वो इनइलास्टिक कोलिजन कहलाता है। इसमें किनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन सेम नहीं होती, बदल जाती है, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन कहलाता है। और मैं एक और बात बताता चलूं, चूंकि ये पूरा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि डेफिनेशंस के साथ साथ आप जरूर ये याद रखिएगा कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर आप लोगों ने जो है एग्जांपल देनी है हार्ड बॉल की, हार्ड बॉल ऑन अ मार्बल फ्लोर की, जो हमारे टेक्स्ट में दी गई, और इन इलास्टिक कोलिजन में आपने टेनिस बॉल के कोलिजन की एग्जाम्पल देनी है। पूरा टॉपिक इसमें लिखा जाएगा, फिर ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो सकेगा। 3.12 शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन, कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इनके रिलेशन मैंने इनको डिफाइन भी किया हुआ, इनके रिलेशन आपको ड्राइव करना भी सिखा दिए हुए हैं।
दोनों के टाइम ऑफ फ्लाइट का भी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का भी। अच्छा उसने क्वेश्चन ये भी पूछा है कि शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। ये जब प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं तो उसकी रेंज मैक्सिमम होती है। ये कैलकुलेशन भी मैंने आपको करवा दी थी और बताया था कि रेंज वाले टॉपिक का वो हिस्सा बना दे। बुक में सिर्फ एंगल निकाला हुआ है लेकिन मैंने उस एंगल को निकाल के इस फार्मूले में पुट करके रेंज मैक्सिमम का फार्मूला भी बना दिया था। बटन प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करें। प्रोजेक्टाइल मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम ऑफ फ्लाइट को डिफाइन करें, टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन इन एयर, फिर उसका रिलेशन ड्राइव करिए। तो मैंने जस्ट वैसे डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया लेकिन ये ड्राइव करना होगा। रेंज को भी इस तरह से डिफाइन करें, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसका भी फार्मूला ड्राइव करें। लेकिन इसको एंड तक लेके जाएं, जो मैंने एडिशनल स्टेप्स करवाए हुए हैं लेक्चर के अंदर वो जरूर करें। 3.13 शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से है, एट व्हाट पॉइंट और पॉइंट्स इन इट पाथ डज अ प्रोजेक्टाइल हैज मिनिमम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पीड। के प्रोजेक्टाइल के पाथ में किन पॉइंट्स पर मैक्सिमम स्पीड होती है और मिनिमम स्पीड होती है। प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम स्पीड होती है ना, वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे होती है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे और पॉइंट ऑफ लैंडिंग, जब फेंकते हैं ना, जब हम इसको एनर्जी देते हैं किसी खास स्पीड से फेंकते हैं, तो यहाँ इसकी स्पीड मैक्सिमम ही होगी क्योंकि उस वक्त तो हमने इसको एनर्जी दी होती है, वही तो स्पीड इसको दे के फेंकते हैं। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है और पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर भी मैक्सिमम होती है क्योंकि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉल कर रहा होता है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे भी स्पीड मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लैंडिंग पे भी मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम कहाँ होती है? मिनिमम होती है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे, क्योंकि वहां एक लम्हे के लिए प्रोजेक्टाइल या वो बॉल जो है वो एक लम्हे के लिए रुकती है। तो यहां पर मिनिमम स्पीड होती है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे। तो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम स्पीड कहां पे हुई? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ लैंडिंग। और मिनिमम कहां हुई? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे। बच्चों ये थे हमारे आज के शॉर्ट क्वेश्चन। इनमें ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आप लोगों ने पीछे टेक्स्ट में पढ़े हुए हैं। इससे नेक्स्ट दो एमसीक्यूज हैं वो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, उनमें अगर कोई मसला हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन यहीं तक थे और इन इनमें जो जितने भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं ये काफी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अल्लाह आपका हम मुनासिर हो। अल्लाह हाफिज़।